अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल सतरंगी गार्डन में। तो फ्रेंड्स, आज वीडियो मैं अपने गार्डन का ओवरव्यू लेकर आई हूं और मैं दिखाऊंगी कि मार्च मंथ में कौन कौन सी फ्लावरिंग मेरे गार्डन में हो रही है। बहुत अच्छी ब्लूमिंग हो रही है डेज़ी प्लांट में और रोज़ प्लांट में, तो वही आप लोगों को दिखाना है। ये देखिए कितना खूबसूरत रोज़ लग रहा है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लास्ट में लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये पारचूला का मैंने सब कटिंग कर दी थी और अब धीरे धीरे इसमें ग्रोथ होने लगी है और अप्रैल के फर्स्ट वीक तक इसमें फ्लावरिंग होने लगेगी इंशाल्लाह। तो बाकी फ्लावर्स में बहुत खूब खिल रहे हैं गार्डन में, बहार आई हुई है। सबसे ज़्यादा तो इस टाइम रोज़ खिल रहा है, रोज़ आप लोग देख सकते हैं। और मैंने अभी फरवरी में इसकी प्रोनिंग करी थी, जितने भी रोज़ प्लांट थे मेरे 25-30 तक रोज़ प्लांट हैं, तो मैंने सबकी प्रोनिंग करी थी। और जो डहेलिया प्लांट मैंने लगाया था, ये देखिए इसमें भी ब्लूमिंग होने लगी है। बहुत छोटे छोटे मैं ये डहेलिया के प्लांट लेकर आई थी और खूब अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और पारचूलका है, पार्सलायन है, इसकी सबकी सेटिंग मैंने कटिंग कर दी थी, तो अब इसमें भी हलचल होने लगी है, ग्रोथ होने लगी। और ये देखिए यहाँ पर रोज़ कितने बड़े बड़े आ रहे हैं। साइज़ बहुत बड़ा इस टाइम रोज़ का आ रहा है, क्योंकि प्रोनिंग करने से प्लांट में न्यू ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और पिटोनियाज़ भी बहुत ज़्यादा खिली हुई है। पिटोनिया की देखिए कितने कलर शेड